क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? सोरा, रो नहीं तो क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, उल्टा तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया हूँ मैं। बोझ? किसने बोला ऐसा कि तुम मेरे ऊपर बोझ बन गए हो? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, और प्यार करने का मतलब होता है एक दूसरे का साथ देना, जो मैं तुम्हारा हमेशा दूंगी। तुम कोई बोझ नहीं हो मेरे ऊपर, समझे? हाँ स्वरा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हें सरप्राइजेज देना चाहता हूँ, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। लव, तुम मेरे साथ हो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये ज़्यादा दिमाग लगाना बंद करो, समझे तुम? स्वरा, यहाँ पे कोई और भी है क्या? नहीं नहीं लव, यहाँ पर कौन होगा हमारे अलावा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे लगा यहाँ पर कोई और भी है। नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी। चलो, तुम्हारा रेस्ट करने का टाइम हो गया है, मैं तुम्हें अंदर रूम में लेके चलती हूँ। यार एक बात बताओ, कब तक ऐसे रहना पड़ेगा इस अंधे के साथ? दीपांशु, ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, बस एक बार ही प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दे, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी। देखो यार, जो भी करना है ना जल्दी करो, मैं ज़्यादा दिन तक ऐसे नहीं रह सकता। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब जल्दी ही होगा। ठीक है, तुम देख लेना एक बार, डॉक्टर से बात कर लेना, जैसे बोलेगा वैसे करो। अरे दीपांशु, तुम? नमस्ते भाभी। नमस्ते। लव, इनसे मिलो, ये हमारे नए पड़ोसी हैं, दीपांशु। हेलो। हेलो भैया, आप यहाँ नए नए शिफ्ट हुए हो? हाँ, अभी एक दो दिन पहले। अच्छा, स्वरा, सिर्फ दो दिन पहले ही शिफ्ट हुए, तुम्हारे दोस्त भी बन गए? अरे नहीं नहीं, दोस्त नहीं है, बस यहाँ पे नए हैं, कोई जानता नहीं है ना इन्हें, इसलिए। अच्छा, अब ठीक है स्वरा, चाय कॉफ़ी वगैरह तो पूछ लो अपने दोस्त से। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो जा ही रहा हूँ बस। इतनी जल्दी? हाँ, कुछ काम याद आ गया, आता हूँ ना बाद में। अच्छा ठीक है। लव, मैं गेट लॉक करके आती हूँ। ठीक है। लव, मैं थोड़ा थक गई हूँ, अंदर जाके रेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम रेस्ट कर लो। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता देना। ठीक है। लव, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्टर ने भिजवाए हैं, इन पे साइन कर दो, फिर तुम्हें ऑपरेशन की डेट मिल जाएगी। अरे ये डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए तो मुझे हॉस्पिटल जाना था ना? जाना तो था, लेकिन डॉक्टर ने बोला तुम परेशान ना हो, इसलिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स खुद ही यहाँ भिजवा दिए, आपको बस यहाँ साइन करने हैं। ये तो बहुत अच्छा है। अब वैसे डॉक्टर का क्या कहना है, मेरी आँखें वापस आ सकती हैं कि नहीं? 99% चांसेस हैं आ जाएंगी। अच्छा, अगर मेरी आँखें वापस आ गई तो तुम यहाँ कैसे रहोगी? मतलब ये कि मेरे आंखें वापस आने के बाद तो मैं तुम्हें देख सकता हूँ ना? लव, तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखें वापस आ गई? हाँ, मेरी आंखें वापस भी आ गई और तुम दोनों को देख भी रहा हूँ। कौन है ये, नया पड़ोसी या फिर तुम्हारा आशिक? नहीं लव, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तुम्हें बताया रहा था ये पड़ोसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गलत समझ रहा हूँ? किस लिए शादी की थी मुझसे, प्रॉपर्टी के लिए? नहीं लव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार? वो भी मुझसे? बस स्वरा, रहने दो, प्यार व्यार तो तुम मुझसे करती नहीं थी, बस मेरी जायदाद चाहती थी। इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, निकलो यहां से दोनों। लव, I'm sorry। मैंने कहा ना निकलो।